अवैध हथियार निर्माण एवं खरीद फरोख्त मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4,20,000 रुपए के अवैध हथियार एवं निर्माण सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 21 पिस्तल के साथ 20 बैरल बरामद किए गए हैं, जो पिस्तल बनाने के काम आती है। एसपी धर्मराज मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बेड़िया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मर्दलिया से पकड़ा है। यह बाइक से जा रहे थे। पुलिस गिरफ्त में आया शेर सिंह उर्फ शेरा निवासी सिंगनूर बेहद शातिर बदमाश है, जो अवैध हथियार निर्माण के साथ ही बैरल उपलब्ध कराता था और इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका है। पिस्तल बनाने में बैरल महत्वपूर्ण होती है, जो आसानी से नहीं मिलती। जिले में हथियार बनाने वाले सिकलेगरों को भी आरोपी बैरल उपलब्ध कराता था। यह हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। आरोपी बैरल कहां से लेके आता है, इसकी पूछताछ की जा रही है। यह पहली बार है कि पिस्तल के साथ बैरल बरामद की गई है। इस बड़ी कार्यवाही पर एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। आज फिर से खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें थाना बेड़िया पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कुल 21 अवैध कंट्री मेड फायर आर्म्स और 20 बैरल बरामद किए। इस प्रकार से आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, तो कुल मसूर का 4,80,000 रुपए का बरामद हुआ है। इसमें आरोपी शेर सिंह और शेरा पिता सुल्तान सिंह जाति सिकलीगर, ये सिगनूर गोगवा का निवासी है और पूर्व में भी इस प्रकार की क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हुआ है। अभी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहे हैं और इस अवैध हथियारों के निर्माण उनके सप्लाई में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। तो आज हमारे एडिशनल एसपी ग्रामीण, एसडीओपी बड़वा और थाना प्रभारी बेड़िया के नेतृत्व में टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और अवैध हथियार का एक महत्वपूर्ण कड़ी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इस प्रकार से मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 10,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है।